सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रॉ सिल्क एंड स्पन सिल्क. द फिलामेंट विच अ कोकून इज मेड अप ऑफ इट्स टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल. जो फिलामेंट होता है जिससे कोकून बना होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है और बहुत ज़्यादा डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होता है हैंडल करने के लिए. सो मैनी ऑफ दैम आर रील टुगेदर टू यील्ड अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क. इसलिए बहुत सारे रील्स की जाते हैं थ्रेड्स को आपस में ताकि उससे क्या है कि स्ट्रॉन्गर थ्रेड मिल सके जिसे हम बोलते हैं रॉ सिल्क. डैमेज कोकून्स आर यूज टू मेक इन्फीरियर सिल्क कॉल्ड स्पन सिल्क. और जितने भी जो कोकून है हमारे डैमेज हो जाते हैं उनसे हम इन्फीरियर सिल्क बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पन सिल्क. ट्विस्टिंग द थ्रेड्स थ्रोइंग. द रॉ सिल्क प्रिपेयर्ड इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज थ्रोन सिल्क. जो रॉ सिल्क हमें मिलता है उसे ट्विस्ट करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है उसे थ्रोन सिल्क उसे प्रिपेयर किया जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग एंड द पीपल हु थ्रो द सिल्क आर कॉल्ड थ्रोस्टर्स. ये जो प्रोसेस होता है उसे हम थ्रोइंग बोलते हैं और जो लोग इसमें प्रोसेस को करते हैं उसे हम बोलते हैं थ्रोस्टर्स. नाउ ब्लीचिंग एंड डाइंग. थ्रोन सिल्क इज जनरली वाउंड लूजली ऑन स्पूल्स और कोन्स फॉर ब्लीचिंग एंड डाइंग. जो थ्रोन सिल्क होता है उसको वाउंड कर दिया जाता है बांधे जाता है लूजली स्पूल्स पे कोन्स पे ठीक है जिसको फिर बाद में ब्लीच किया जाता है और डाई किया जाता है. फॉर मेकिंग वाइट फैब्रिक द थ्रोन सिल्क इज ब्लीच जनरली बाय अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. वाइट फैब्रिक बनाने के लिए जो थ्रोन सिल्क होता है उसे ब्लीच किया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन परऑक्साइड से बना होता है. जो फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक द थ्रोन सिल्क इज डाइड. और हमें कलर्ड फैब्रिक के लिए थ्रोन सिल्क को डाइड करना पड़ता है. द स्काइंस आर बॉइल्ड विथ सोप एंड वाटर एंड वॉश. जो स्किन्स होती है मतलब जो कॉयल्स होती हैं सिल्क की उसे बॉयल किया जाता है सोप और वाटर में वॉश किया जाता है. दिस मेक द सिल्क सॉफ्ट एंड लश्रस बट मच टू लाइट. इससे जो सिल्क है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है लश्रस मतलब शाइनिंग हो जाता है चमकीला हो जाता है पर बहुत ज़्यादा लाइट भी हो जाता है. सो द वेट ऑफ द सिल्क इज इंक्रीज बाय सोकिंग इट इन द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ टिन लेड एंड आयरन. तो उसके वेट को बढ़ाने के लिए उसको सोक किया जाता है केमिकल सॉल्यूशन में टिन लेड और आयरन के. द सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब बाय द फाइबर एंड इट्स वेट इंक्रीज अ प्रोसेस कॉल्ड वेटनिंग. ये जो प्रोसेस होता है कि सॉल्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं फाइबर को और उसका वेट इंक्रीज हो जाता है इसे बोलते हैं वेटनिंग वेटिंग. द फाइबर इज देन डाइड इन द डिजायर्ड कलर. उसके बाद जो फाइबर को डिजायर्ड कलर में डाई किया जाता है. डाइंग इज समटाइम्स डन आफ्टर वीविंग. कभी कभी जो डाइंग है वो वीविंग के बाद किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज वीविंग. द फाइबर्स आर वाउंड ऑन बॉबिन्स एंड लेटर वोवन इन टू क्लोथ. पहले जो फाइबर होता है उन्हें बॉबिन्स पे बाउंड किया जाता है रील्स कर लिया जाता है उसके बाद में जो है उनसे क्लोथ बनता है. अ लाइन ऑफ थ्रेड इज लैड लॉन्ग लेंथवाइज ओवर अ फ्रेम. जो लाइन होती है थ्रेड की उसे लैड कर दिया जाता है एक फ्रेम पे. अनदर थ्रेड इज प्लेस. और जो दूसरा जो थ्रेड है क्रॉस वाइज उसके ऊपर रखा जाता है एवव एंड बिलो दिस लाइन मतलब ऊपर और नीचे थ्रेड के. द लेंथवाइज थ्रेड वार्प. जो लेंथवाइज थ्रेड होता है जिसे वार्प कहते हैं इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज. उसे ऑर्गेजाइन कहते हैं. एंड और जो क्रॉस वाइज थ्रेड होता है उसे बोलते हैं ट्रैम. After the cloth is woven, it is given a suitable finish. जब हमारा कपड़ा बन जाता है वीव हो जाता है उसके बाद उसे एक suitable finishing दे दी जाती है. Now kinds of silk. Different kinds of silk are produced by different kinds of moth. अलग अलग type के silk जो हैं मिलते हैं वो अलग अलग type के moth से मिलते हैं. The most common type. जो most commonly type है वो है एरी मलवेरी तैशर एंड मूगा. ये सब क्या हैं silk के type हैं. So in next video we will start new topic. Okay.